छावरा रियासत जो मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में है, वहाँ का नवाब मोहम्मद इफ्तिखार अली खान अपने रियासत के कामकाज का सारा निर्णय 6 पागलों से विचार विमर्श करने के बाद ही करता था। नवाब इफ्तिखार अली किसी मसले पर अपने कैबिनेट से किसी मंत्री से विचार विमर्श नहीं करता था और यह पागल सलाहकार उसने पागल खाने से मंगवाया था। दरअसल नवाब के मन में यह विश्वास था कि पागल लोग ही सच्ची और निष्पक्ष राय दे सकते हैं। जावरा रियासत की स्थापना अफगान मूल के मुस्लिम अब्दुएल गफूर मुहम्मद खान ने की थी। वह पिंडारी नेता आमिर खान की सेना का एक घुड़सवार अधिकारी था। बाद में उन्होंने इंदौर के होलकर महाराजाओं को भी सेवा दी। वह उत्तरी मालवा के राजपूत प्रदेशों की भूमि पर कब्जा करने लगा। सैलाना के राजा लक्ष्मण सिंह द्वारा उसे पराजित करने के बाद विस्तार रुक गया, जिसने उसे विजय के बाद स्थानीय राजपूतों को परेशान न करने की शपथ दिलाई। नवाबों ने बाद में अपने नए राज्य को बचाने के लिए अंग्रेजों के प्रति निष्ठा की कसम खाई। जावरा के नवाब अंग्रेज के बहुत वफादार थे और विद्रोही काल में कई विद्रोहियों को कुचलने की भी जिम्मेदारी ली। सेवाओं के बदले मंदसौर की संधि द्वारा 1818 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उसे रियासत का दर्जा मिला। जावरा में हुसैन टेकरी का इतिहास 130 साल पुराना है। बताया जाता है कि जावरा के नवाब को सपना आया था, जिसके बाद उसने अपनी रियासत को हजरत इमाम हुसैन साहब की याद में रोजा शरीफ का निर्माण करवाया। बड़े रोजे के पास ही हुसैन साहब के बेटों व परिवार के लोगों की याद में 5 रोजे बनवाए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों में खासकर सिया समाज में करबला के बाद इस स्थान की मान्यता है। रोजे के निर्माण के बाद से ही यहाँ चूल चलने की प्रथा शुरू हुई। चूल चलना यानी जले अंगारों पर नंगे पांव चलना। माना जाता है कि यहाँ चूल चलने से मांगी हुई मुराद पूरी होती है, साथ ही कोई भी लाइलाज बीमारी चूल चलने से दूर हो जाती है। दूर दूर से यहाँ मानसिक रोगियों को दुआ के लिए लाया जाता है। हुसैन टेकरी पर चहलुम के मौके पर देश से ही नहीं बल्कि पाकिस्तान और बांग्लादेश तक से बड़ी संख्या में जायरीन आते हैं।